हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरमन दीप सिंह और आप देख रहे हैं हरमन मोटर शो। आज मैं आपके लिए एक बहुत खास गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ जो कि है Hyundai Kona इलेक्ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक कार में क्या क्या खास बातें होती हैं और जो Hyundai ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करी है इसके क्या क्या अच्छी फीचर्स हैं, कैसी है ये गाड़ी चलाने में। तो बाकी की वीडियोस की तरह इस वीडियो के भी 5 सेगमेंट्स होंगे। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में, दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, तीसरे सेगमेंट में हम चेक करेंगे इसके इंजन के बारे में, चौथे सेगमेंट में हम इस गाड़ी को चला के देखेंगे और बात करेंगे कि कैसी गाड़ी है ये ड्राइविंग में, और फिफ्थ सेगमेंट में हम बात करेंगे इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले मैं आ गया हूँ इस गाड़ी के फ्रंट में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी में कोई ग्रिल नहीं है। यहाँ पे जो पैनल दे रखा है हमें, उसकी वजह से हमारा कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग कम हो जाता है, गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और गाड़ी देखने में भी अच्छी लगती है। उसके साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका चार्जिंग पॉइंट है फ्रंट में। साथ में जो Hyundai का लोगो है उसमें यहाँ पे पेडेस्ट्रियन सेंसर है। तो इस गाड़ी में एक खास बात ये है कि जैसे ही गाड़ी किसी पेडेस्ट्रियन के आसपास आती है, क्योंकि इसकी मोटर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एक ऐसा साउंड प्रोड्यूस करती है जिससे लगे कि आसपास कोई गाड़ी आ रही है। तो पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी के लिए इस गाड़ी में ये फीचर भी दे रखा है। उसके साथ में हमें फ्रंट में एक छोटा सा रेडिएटर प्रोवाइड किया हुआ है जो कि बैटरी और मोटर की कूलिंग के लिए है। अगर मैं बात करूँ इसकी हेडलाइट्स के बारे में, तो टॉप में हमें 4 LED DRLs मिलते हैं। उसके साथ में हमें यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है और जो हमारी मेन हेडलाइट है वो नीचे है। जो ये हेडलाइट और DRL ऊपर नीचे रखने का डिज़ाइन पहली बार आया था वो इसी गाड़ी से स्टार्ट हुआ था। जो MG Hector हैं, जो Hyundai Venue हैं, वो इंडिया में बाद में आई थी, बट जो फर्स्ट कार थी जिसमें ये डिज़ाइन आया था वो ये कार थी जिसमें हेडलाइट्स हमने नीचे रखी थी और LED DRLs ऊपर देखने को मिले थे। साथ में जो स्टाइलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लुक्स हैं इस गाड़ी के। जो हमें फ्रंट में बम्पर और स्किड प्लेट्स मिलती हैं वो डार्क थीम है, जो गाड़ी का कलर है वो लाइट कलर है। सेंटर में हमें गन मेटल लाइट ग्रे कलर की स्टाइलिंग मिल जाती है। उसके साथ में यहाँ पे टोइंग हुक के लिए और फ्रंट में नंबर प्लेट। अब चलते हैं साइड में और देखते हैं गाड़ी के डायमेंशंस के। तो चलिए अब बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल्स के बारे में। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 4180 mm है, इसकी हाइट ऑलमोस्ट 1560 mm है और इसकी विड्थ 1800 mm है। जो इसकी लेंथ और विड्थ है वो क्रेटा से भी ज़्यादा है। अगर मैं इसके व्हील बेस की बात करूँ तो इसका व्हील बेस 2600 mm है और ये भी क्रेटा से ज़्यादा है। जो इसका व्हील है वो हमें एरोडाइनमिक डिज़ाइन में मिलता है, जिसकी वजह से हमारी एरोडाइनमिक एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके साथ में हमें यहाँ पे ब्लू ड्राइव का एक लोगो मिलता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है, इसमें कोई भी एमिशंस नहीं है, इसकी वजह से हमें ब्लू ड्राइव का साइन मिल रहा है। अगर मैं रियर व्यू मिरर की बात करूँ तो इसमें हमें टर्न सिग्नल इंडिकेटर और एक ब्लैक डिज़ाइन एलिमेंट भी दे रखा है। क्योंकि ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है तो इस पर एक्सपीरियंस Hyundai लिखा हुआ है। अगर मैं पीछे आऊँ तो इसमें फ्रंट डोर्स में आप कीलेस एंट्री देख सकते हैं। उसके साथ में हमें यहाँ पे एक स्मॉल मिरर दे रखा है और पीछे हमें एक प्लास्टिक की स्टाइलिंग दे रखी है। उसके साथ में हमें ऊपर मेटल की रूफ रेल्स मिल रही हैं, प्लास्टिक रूफ रेल्स नहीं है, मेटल रूफ रेल्स है। साथ में हमारे पास एक सनरूफ भी है। सो ये सारे एलिमेंट्स इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाते हैं। अगर आप साइड प्रोफाइल की भी देखें ध्यान से, तो यहाँ में हमें जो स्किड प्लेट्स दे रखी हैं, जो एक्सटीरियर एलिमेंट्स दे रखे हैं, वो भी काफ़ी अच्छी फिनिश में, काफ़ी अच्छे क्वालिटी ऑफ पेंट के साथ फिनिश करके हमें मिल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं बैक की और देखते हैं बूट स्पेस वगैरह कितनी है इस गाड़ी में। अब हम आ गए गाड़ी के रियर में। तो जैसे आप देख सकते हैं इस गाड़ी का रियर काफ़ी स्पोर्टी लुकिंग है, और जो फ्रंट से हमें स्पोर्टी लुक्स कंटिन्यू हो रहे थे वो बैक से कंटिन्यू हो रहे हैं। टॉप में हमारे पास एक स्पॉयलर है जो कि फ्लो को कंट्रोल करता है और इससे भी एरोडायनामिक एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें पीछे विंडोज़ पे वाइपर दे रखा है। उसके साथ में हमें इसमें वॉशर भी है, तो आप स्प्रे करके इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं रियर विंडो को। रियर विंडो डिफॉगर भी दे रखा है इसमें। उसके साथ में हमें सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक रियर पार्किंग कैमरा भी दे रखा है, जो कि डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ है। तो जैसे आप स्टेयरिंग घुमाएंगे उसके साथ वो गाइडलाइंस मूव करेंगी। उसके साथ में पार्किंग के लिए हमें 4 पार्किंग सेंसर्स भी दे रखे हैं, और यहाँ पे टोइंग के लिए हमें अरेंजमेंट दे रखा है। अगर मैं टेल लाइट्स की बात करूँ तो इसमें हमें यहाँ पे टेल लाइट्स दे रखी हैं और यहाँ पे रियर रिवर्स लाइट्स दे रखी हैं, और टर्न सिग्नल इंडिकेटर भी हमारे पास नीचे हैं, ऊपर नहीं है, नीचे हैं। यहाँ पे सिर्फ ब्रेक लाइट्स और रियर लाइट्स हैं। एक और जो खास बात है इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि इसमें कोई इंजन नहीं है और तो इसमें कोई भी एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं है और यहाँ पे कोई भी साइलेंसर या एग्जॉस्ट नहीं है हमारे पास। और एक और मैं आपको खास बात बता दूँ, क्योंकि लोगों का मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कार है, बैटरी से चल रही है, बिजली से चल रही है, तो इसको हम पानी में नहीं चला सकते। ये ज़्यादा सेफ है पानी में चलाने में रेदर देन आईसी इंजन कार्स, क्योंकि इसमें कोई एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं है तो इससे हमें गाड़ी में पानी आने का कोई खतरा नहीं रह जाता। तो दैट्स ऑल फॉर एक्सटीरियर। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं इसकी इंटीरियर कैसी है। अब मैं आ गया हूँ इस गाड़ी की फ्रंट सीट में, तो चलिए बात करते हैं इसके केबिन के बारे में। तो जो पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका केबिन बहुत ज़्यादा साइलेंट है। बाकी की गाड़ियों की तरह इसमें कोई भी इंजन नॉइज़ नहीं है और क्योंकि इसकी मोटर काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है और पावरफुल है तो उसकी वजह से हमें केबिन में कोई नॉइज़ नहीं मिलती है। अभी मैं इस गाड़ी को थोड़ी देर पहले चला रहा था तो इसमें सिर्फ और सिर्फ AC की आवाज़ आ रही थी और सिर्फ स्टीरियो सिस्टम की आवाज़ आ रही थी, उसके अलावा कोई भी नॉइज़ नहीं आ रही थी। सो बात करते हैं गाड़ी में केबिन के एलिमेंट्स के बारे में। तो जो भी हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो बहुत ही प्रीमियम और सॉफ्ट टच हैं। अगर मैं सेंटर कंसोल से स्टार्ट करूँ तो हमें एक एल्बो रेस्ट के साथ जो बटन्स मिलते हैं उसमें हमें हीटेड और क्योंकि ये सीट्स वेंटिलेटेड हैं, वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल मिलते हैं। दोनों सीट के इंडिविजुअल कंट्रोल्स हैं, हीट कर सकते हैं, वेंटिलेट कर सकते हैं। उसके साथ में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है और जो इसके ड्राइविंग मोड्स हैं वो भी हमें यहीं पे मिल जाते हैं। पार्क, न्यूट्रल, रिवर्स और ड्राइव चारों के हमें बटन्स दे रखे हैं। इसको ड्राइव करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और काफ़ी ज़्यादा पीस ऑफ माइंड ये गाड़ी हमें देती है जब हम इसे ड्राइव करते हैं। जो इसका सेंटर कंसोल है वो एक ब्रिज टाइप सेंटर कंसोल है और हमें नीचे भी यहाँ पे दो 12 वोल्ट के पावर आउटलेट्स मिल रहे हैं, तो वहाँ भी आप सामान रख सकते हैं, कोई भी चीज़ चार्ज कर सकते हैं। तो यह काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस ऐड करता है हमारा इंटीरियर में। यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज कंपार्टमेंट भी है जो वन टच ओपन एंड वन टच क्लोज हो जाता है। उसमें हमें यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, साथ में हमें एक USB चार्जर और ऑक्स आउटपुट भी मिलता है। अगर मैं क्लाइमेट कंट्रोल की बात करूँ तो उसके सारे बटन्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं, प्लस हमें पैसेंजर और ड्राइवर के सीट बेल्ट वार्निंग यहीं पे आ जाती है। जो हमें फ्रंट में AC वेंट्स दे रखे हैं वो सेंटर में यहाँ पे दे रखे हैं। उसके ऊपर हमें एक 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो टच स्क्रीन डिस्प्ले है और इसमें साथ में यहाँ पे बटन्स भी हैं, रोटरी डायल्स भी हैं, जो कि सारे के सारे बहुत ही हाई क्वालिटी और प्रीमियम फिनिश में हमें मिल रहे हैं। जो इसका डैशबोर्ड है वो भी काफ़ी सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स है और काफ़ी अच्छे प्लास्टिक क्वालिटी है। जो इसका ग्लोव बॉक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और जो सीट्स हैं इसकी वो अच्छी क्वालिटी के लेदर से बनाई गई हैं। सो कंफर्टेबल राइड रहेगी आपकी बहुत ज़्यादा और क्योंकि ये सीट्स वेंटिलेटेड हैं गर्मियों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हीटेड भी हैं तो सर्दियों में भी आप अपनी सीट को आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। जो इसमें वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स का ऑप्शन है उसमें भी हमें 3 लेवल मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको हीट और कूल कर सकते हैं सीट को। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर होने वाली है आने वाले टाइम। अगर मैं साथ में ड्राइवर डोर की बात करूँ तो इसमें हमें मिरर कंट्रोल्स मिलते हैं, उसके साथ में हमें विंडो लॉक अनलॉक, चारों विंडो के विंडोज़ ऊपर नीचे करने के कंट्रोल्स मिलते हैं। जो हमें डोर ओपन करने के लिए हैंडल दे रखा है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फिनिश में हमें मिल रहा है। उसके साथ में हमें इस गाड़ी में 4 स्पीकर मिलते हैं। 4 स्पीकर्स के साथ हमें 2 स्पीकर्स भी मिलते हैं, तो इस गाड़ी में टोटल 6 स्पीकर हैं, जिनमें से 2 छोटे स्पीकर हैं और 4 बड़े। उसके साथ में यहाँ पे हमें एक सनरूफ मिल रही है जो कि 1 टच ओपन कर सकते हैं हम, क्योंकि गाड़ी अभी ऑफ है तो ये ओपन नहीं हो रही है। हमें 2 रीडिंग लाइट्स, इंडिविजुअल रीडिंग लाइट्स, पीछे भी हमें इंडिविजुअल रीडिंग लाइट्स मिल रही हैं। ग्रैब रेल्स भी हैं साथ में। अगर मैं वैनिटी मिरर की बात करूं तो इसके वैनिटी लाइट नहीं है, बट जो इसका वैनिटी मिरर है मिरर को हम क्लोज एंड ओपन कर। अगर मैं रियर व्यू मिरर की बात करूँ तो ये ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर है, तो आपको रात को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाड़ी चला। फाइनली अगर मैं इसके स्टीयरिंग की बात करूँ तो इसका स्टीयरिंग मेरे को वेन्यू से काफ़ी मिलता जुलता लग रहा है। लेदर रेड स्टीयरिंग व्हील है, फील काफ़ी अच्छी है, बट 25 लाख की गाड़ी में एक ऐसा स्टीयरिंग व्हील होना जो कि 8 लाख की गाड़ी में भी आ जाता है, तो ये मेरे को थोड़ा सा डाउन साइड लगा इस गाड़ी के बारे में। हमें सारे वाइपर कंट्रोल्स यहीं पे मिल जाते हैं और हेडलाइट कंट्रोल्स भी यहीं पे मिल जाते हैं। जो हमें पैडल्स दिए हुए हैं इस गाड़ी में वो इसकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग को कंट्रोल करते हैं, तो अगर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग से ज़्यादा पावर चाहिए तो आप इनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जो साथ में हमें AC वेंट्स दे रखे हैं वो काफ़ी अच्छी फिनिश में और रोटरी डायल्स के साथ दे रखे हैं। इसका AC काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और सिर्फ एसी की नॉइज़ आती है कैबिन में और किसी चीज़ की नॉइज़ नहीं आती है। कैबिन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो इसकी ड्राइविंग पोजीशन है उससे हमें हुड दिख रही है पूरी, तो इस एसयूवी को चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। प्लस आपको एक ऐसी फील आएगी कि आप एक काफ़ी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा हुड इसमें विजिबल है। उसके साथ में जो हमें पेडल्स मिल रहे हैं वो मेटल फिनिश्ड पेडल्स हैं, एक्सीलरेटर और ब्रेक, और इसका ब्रेक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसके साथ में जो फिनिश है उनकी वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी है। अब चलते हैं बैक सीट में और देखते हैं बैक सीट कम्फर्ट और बैक सीट पोजिशन। अब मैं आ गया इस गाड़ी की बैक सीट में। मैंने फ्रंट सीट अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दी थी। फॉर रेफरेंस मेरी हाइट है 5'11" और जैसा कि अभी मैं बैठ के देख रहा हूँ कि इसमें लेगरूम काफ़ी ज़्यादा है, बट जो इसका बैटरी पैक है वो ये इसी सीट के नीचे है, उसकी वजह से इसकी सीट हाइट थोड़ी सी ऊँची है और हमें अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम मिल रहा है। जो इसकी सीटिंग पोजीशन है वो ठीक है। उसके साथ में हमें एक सेंटर आर्मरेस्ट मिल रहा है जो इसकी लेदर हाई क्वालिटी लेदर की सीट्स हैं, जैसी फ्रंट में सीट्स हैं वैसी ही रियर में मिल रही हैं। और वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है रियर में, बट परफोरेटेड सीट्स हैं तो इसमें आपको ज़्यादा पसीना वगैरह नहीं आएगा। उसके साथ में जो हमें सेंटर हैंडरेस्ट मिल रहा है उसमें हमें 2 कप होल्डर्स भी मिल रहे हैं और पीछे हमारे पास पार्सल ट्रे है। पार्सल ट्रे के आगे हमारे पास एडजस्टेबल हैंडरेस्ट है 3 पैसेंजर्स के लिए। सेंटर में बैठ के देखता हूँ कि सेंटर में भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स पोजिशन नहीं है मेरे पास। हेडरूम एडिक्वेट ही है, कोई ख़ास नहीं है। लेगरूम भी ओके है, बट अगर इस गाड़ी में 3 पैसेंजर बैठेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसमें पीछे 2 पैसेंजर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। उसके साथ में जो इसकी सिटिंग पोजीशन है वो ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं है, बट आप टायर्ड नहीं होंगे। वैसी सिटिंग पोजीशन नहीं है कि आप जल्दी टायर्ड हो जाएंगे। जो हमें डोर में कंट्रोल्स मिल रहे हैं वो सिर्फ विंडो के कंट्रोल्स हैं, और अगर आपको दरवाज़ा खोलना है तो आपको सेम फिनिश में यहाँ पे भी डोर हैंडल्स दे रखे हैं। जो इसके बैक डोर में स्टोरेज कंपार्टमेंट है उसमें आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती है, आप एक ½ लीटर बोतल रख सकते हैं, बट Hyundai की छोटी गाड़ियों में भी 1 लीटर बोतल का कंपार्टमेंट आता है। सो आई एम सरप्राइज टू सी कि इसमें वो नहीं है। जो यहाँ पर हमें हैंडरेस्ट मिलता है वो भी लेदर में फिनिश्ड है और काफ़ी हाई क्वालिटी है। सो अगर पीछे 2 लोग बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैंड रेस्टिंग पोजीशन रख सकते हैं। वो हेडरूम बैक सीट पे ओके ही है। दैट्स ऑल फॉर इंटीरियर। अब आते हैं हम अपने तीसरे सेगमेंट में और इसका हुड ओपन करके देखते हैं कि अंडर द हुड में क्या मिलता है इस गाड़ी में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ सेंटर में एक मोटर दी गई है जिसके ऊपर एक हमें प्लास्टिक कवर दे रखा है जिस पे लिखा हुआ है इको कोट और ईवी। उसके साथ में हमें बैटरी दिख रही है जो कि इंजन इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए है। साथ में हमें कूलेंट भी दिख रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। इसकी पावर रेटिंग है 136 PS जो कि 134 हॉर्स पावर के इक्वलेंट है। और जो इसका टॉर्क है वो ऑलमोस्ट 395 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका। जो इसकी पावर वगैरह है वो किसी आरपीएम पे नहीं होती नॉर्मल इंजन की तरह। अगर आप प्रेस दबाएंगे तो वो तुरंत ही वो इलेक्ट्रिक मोटर पूरी पावर प्रोड्यूस कर देती है। सो गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा पंची है। चलिए अब ड्राइवर सीट पे बैठते हैं और गाड़ी चला के देखते हैं कि कैसी गाड़ी चलाने में। इसमें 3 तरह के ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। ये जैसे मैं मोड चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए आप ड्राइव मोड जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अगर मैं मीटर क्लस्टर की बात करूं तो मीटर क्लस्टर में भी आपको देखिए ये स्पोर्ट्स मोड है, अब ये इको मोड आ गया। इको मोड में आपको जो राइट हैंड साइड है ये बैटरी लेवल शो हो रहा है जहाँ पे आपको ऊपर तक हाई और नीचे लो है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, आपको टायर का प्रेशर भी शो हो रहा है मीटर क्लस्टर में। अब मैं इसको ड्राइव करने लगा हूँ कम्फर्ट मोड में, और मैं कम्फर्ट मोड में जैसे ही मैं ड्राइव करने लगा हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्सेलरेट कैसे करती है। ये देखिए कि इसमें ऑटोमेटिक सिंगल गियर रिडक्शन ट्रांसमिशन है। अब देखिए मैं एक्सेलरेट करने लगा हूँ और ये कितनी फास्टिंग से इसको एक्सेलरेट ये होती है। अब मीटर क्लस्टर की देखिए ये 0 to 100 जो है 9.7 सेकेंड्स में है, और गाड़ी का कंट्रोल इतना ज़बरदस्त है कि आप सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल भी कोई जर्क नहीं है, कोई किसी तरह का लैप नहीं है। ये ऑटोमेटिक का ऐसा मज़ा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं लिया किसी भी गाड़ी में ड्राइव में। इसकी जो सस्पेंशन है वो भी थोड़ी सी दी गई है, बहुत ही अल्टीमेट सस्पेंशन है। आपको कंफर्ट लेवल इतना फील होता है कि ऑसम। इसमें जो बैटरी बैंक दिया गया है वो इसके बेस में है, चैसी लैडर में है, जिसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बहुत ही अच्छा है। इस गाड़ी की कंट्रोलिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। फॉर ऑल भी डिस्क ब्रेक दी गई है। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 80 जो 80 की स्पीड है उससे ऊपर आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कई बार ओवरटेक करने के लिए, जैसे एक बार आप एक्सलेट कर रहे हैं, कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी हाई स्पीड यूज़ करने की, तो जो ब्रेकिंग है वो भी बहुत ही औसम है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जो है गाड़ी को ड्राइव करेंगे, ब्रेकिंग करेंगे। अब मैं इस गाड़ी के बारे में कुछ खास बातें शेयर करना चाहता हूँ। सो मैं एरिया सेल्स मैनेजर पारस को भी बुलाना चाहूँगा Hyundai की तरफ से। हेलो सर। हेलो सर, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल है सर आपका? बहुत बढ़िया सर, तुम सुनाओ? बहुत बढ़िया। गाड़ी कैसी लगी आपको? सर गाड़ी बहुत अच्छी है, ड्राइव करने में भी बहुत अच्छी है। आपने ड्राइव की, आपको कैसा फील है? सर बहुत ज़्यादा पावरफुल है इसकी मोटर, और इंस्टेंट टॉर्क जो प्रोड्यूस करती है वो बहुत अच्छी फीलिंग है। साथ में केबिन बहुत ज़्यादा साइलेंट है। आपको सबसे बेस्ट क्या लगा इस गाड़ी में? सर इसका जो क्वालिटी ऑफ प्रीमियम इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ड्राइव में सबसे अच्छा क्या लगा? सर ड्राइव में ना जब चलाते हैं तो ऐसा फील नहीं होता कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं, मतलब कोई बहुत अलग गाड़ी चला रहे हैं ऐसी फीलिंग नहीं आती है। नॉर्मल गाड़ी की तरह फीलिंग आती है, बट जब आप पेडल प्रेस करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी पावरफुल कार है। मैं इस गाड़ी के बारे में आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो एक अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए। देखिए आज की डेट में जो हम एक हमारा मिथ था कि इलेक्ट्रिक कार जो होती है उसकी रेंज कम होती है, हम चलेंगे तो कैसे चलेंगे, हम वो भागेगी नहीं है, उसकी ड्राइवेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जो ये कार Hyundai ने डिज़ाइन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इस गाड़ी का जो डिज़ाइनिंग एलिमेंट है इसको एरोडायनामिक शेप दी गई है, ये बहुत ही वेल डिज़ाइन की गई है। इवन इसका जो कोएफिशिएंट ड्रैग है वो भी 0.29 का इसका जो कोएफिशिएंट ड्रैग है। इस गाड़ी में आप फ्रंट पे देख सकते हैं कवर्ड ग्रिल दी गई है, LED वाइड लाइट प्रोजेक्टर्स दिए गए हैं, DRLs दिए गए हैं, उसके बाद इसमें एयर कर्टन्स भी दिए गए हैं एरोडायनामिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, एयर फ्लैप्स दिए गए हैं जो हम जिससे हम एरोडायनामिक्स को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इवन इसके जो अलॉय व्हील्स हैं ये प्रॉपरली मैं आपको वीडियो में सर शो करेंगे। इसके जो अलॉय व्हील्स भी हैं वो भी स्पेशली डिज़ाइंड हैं फॉर एन EV व्हीकल। इसमें जो टायर्स भी दिए गए हैं वो भी Nixon के दिए गए हैं, जिससे कि आपको बेटर रोड ग्रिप मिल सके और बेटर स्टेबिलिटी आ सके गाड़ी में। इस गाड़ी में सबसे बेस्ट चीज़ एक और मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, ये जो गाड़ी है फुल इलेक्ट्रिक है Hyundai की। इंडिया में पहली ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जिसकी जो आपको रेंज मिल रही है वो 52 किलोमीटर की ARAI टेस्टेड रेंज मिल रही है आपको। इस गाड़ी से मैं प्रैक्टिकली मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस गाड़ी को शिमला लेके गया हूँ, जो हमारे हिमाचल प्रदेश जो हमारी स्टेट है इंडिया की। मैं सबसे पहले उनके CM का भी थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी जो एक बड़ा डिसीज़न है वो उन्होंने लिया, वो टेक्नोलॉजी को जो है हिमाचल प्रदेश में ला रहे हैं ताकि जो नेचर है उसको बिल्कुल ठीक रखा जाए। जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारी नेचर जो है वो हम नेचर को काफ़ी ख़राब कर रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, और आने जो बीमारियां उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको ठीक करने के लिए काफ़ी साइंटिस्ट जो हैं वो लगा रहे हैं, काफ़ी तरह की जो है प्रोसेस किए जा रहे हैं। तो जो हिमाचल के CM हैं उन्होंने सबसे पहला प्रोसेस ये किया है कि वो पूरे स्टेट में EV इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने खुद अपने लिए ये गाड़ी बुक करवाई है और ये हिमाचल के CM ये गाड़ी बाय कर रहे हैं। थैंक यू सर फॉर टेलिंग ऑल ऑफ दिस टू अस। मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स की नॉलेज काफ़ी बढ़ेगी इन चीज़ों में। सो थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस वीडियो।